नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक कराई गई, जिसमें सभी उच्च स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के पुलिस अधिकारियों को एक बड़ा टास्क सौंपा है और ये टास्क है सभी लंबित एससी एसटी मामलों की आने वाले 60 दिनों में सुनवाई करने की। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जितने भी एससी एसटी के मामले बिहार में लंबित है, उन्हें 60 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाए, उन पर सुनवाई कर ली जाए और सभी मामलों पर निर्णय लिया जाए, ताकि गरीबों के साथ न्याय हो सके, सभी गरीबों की बिहार में बात सुनी जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बड़ा फैसला सामने आया है और क्या कुछ कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एससी एसटी को लेकर, क्या कुछ उन्होंने और दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, कल की समीक्षा बैठक में आइए इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ा टास्क सौंपा है। उन्होंने डीजीपी एसके सिंगल को कहा है कि एससी एसटी से जुड़े लंबित मुकदमों का 60 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के मुकदमों की सुनवाई के लिए 9 विशेष अदालतें जल्द बने। बैठक में एससी एसटी से जुड़े मुकदमों के हर पहलू की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी सभी एसपी के साथ मिलकर लंबित कांडों के अनुसंधान की महीने में कम से कम एक बार जरूर समीक्षा करें, ताकि मामलों का निष्पादन तेजी से हो सके, कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल हो, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके, विशेष लोक अभियोजकों की कार्य क्षमता की समीक्षा की जाए, योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपी जाए, जिससे वो न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सके। इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए 9 विशेष अदालतों के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। इन अदालतों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की ही सुनवाई हो। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने अफसरों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कहना था कि डीएम एवं एसपी जिलों में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को समय पर मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित कराए। जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के कार्यकलापों की भी नियमित समीक्षा हो। उन्होंने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए हमने काफी काम किया है। कन्विक्शन रेट बढ़ाने को लेकर स्पीडी ट्रायल हो, ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को समय पर न्याय मिल सके। डीजीपी सभी एसपी के साथ महीने में एक बार लंबित कांडों की जांच की समीक्षा करें। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सीएम ने कई निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में जो गरीब पीड़ित है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई कड़े आदेश कल की हुई समीक्षा बैठक में दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने एससी एसटी मामले की जांच हो और उस पर एक समीक्षा बैठक करना अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ आने वाले 60 दिनों में बिहार के सभी लंबित एससी एसटी मामलों की चार्जशीट अदालत में पेश की जाए, इसे जमा कराया जाए और सभी लंबित मामलों की सुनवाई 60 दिनों के भीतर किसी भी हाल में करना अनिवार्य है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।